तो विजय शर्मा जी का सरकार आई है, सरकार की सोच वाले लोग साथ में रहे तो काम तेज गति से होता है, सरकार की सोच के विपरीत वाले लोग रहे तो काम अटकता है। तो अटकाने के लिए अटके हो या कुछ और पाने के लिए अटके हो, शैले जी आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में यह सवाल लोगों के बीच में है, क्यों सरकार को मजबूर किया आप कि बर्खास्तगी के आदेश निकले, ससम्मान विदाई क्यों ना भाई, ये सवाल उठ रहा है, क्या कहते हैं शैले जी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने तो इस्तीफे पहले ही दे दिए थे, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी बर्खास्तगी का रास्ता अपना रही है तो यह निश्चित रूप से नए सरकार का अधिकार है। लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पूर्व में सोसाइटियों में दिगर संस्थाओं में बैठे हुए भाजपा के लोगों को जब हटाया गया तो उन लोगों ने अदालत जाके इसके खिलाफ स्थगन लिया। ये स्वाभाविक है कि नई सरकार अपने लोगों को नियुक्त करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति खोजना और इसमें राजनीति का पुट देना मैं इसे उचित। किसको उचित मानते हैं शैलेश जी, हम तो यही नहीं समझ पाते। आपने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया पहले तो ये बताओ, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष के तौर पर आप बैठे हुए मंत्री दर्जा प्राप्त, या पाठ्य पुस्तक निगम से इस्तीफा दे चुके शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं? पुस्तक निगम से 2-2.5 महीने पहले ही त्याग पत्र दे चुका। तो अब मुझे शैलेश जी ये समझाओ, आपने स्वयं का इस्तीफा जायज माना तो बाकी का इस्तीफा न देने को आप जायज क्यों ठहरा रहे हो? या तो आप गलत या जो आपके साथी इस्तीफा नहीं दे रहे वो गलत, आप ही बताओ ना कौन गलत, आपने गलती की या आपके साथी गलत कर रहे? न मैं गलत न मेरे साथी गलत, अच्छा सब कुछ परिस्थितियों के अनुसार होता है। जो परिस्थितियां बनी उनमें मैंने त्याग पत्र दिया, कुछ लोगों ने यदि त्याग पत्र नहीं दिया तो यह उनका विवेक है। लेकिन सरकार यदि ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखना चाहती, देखिए ये नियुक्ति होती है निगम मंडल और आयोग। जो निगम और मंडल की नियुक्तियां हैं वे प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं, लेकिन जो आयोग के पद होते हैं वे आयोग के पद संवैधानिक पद होते हैं। पिछड़ा वर्ग के हित सुरक्षित रखने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, पिछली बार जब पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे उनकी जगह में नई नियुक्ति की गई थी तो वो इसके खिलाफ उच्च न्यायालय चले गए थे और उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को बहाल किया था। न केवल बहाल किया था, वे उस पद पे बने रहे और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब उस पद पर दूसरी नियुक्ति हो गई।